जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम टैली ईआरपी 9 में कुछ क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करेंगे और आज क्लास जो है ये 16 होगा, क्लास नंबर 16 जो मेरा टैली का सीरीज चल रहा है। इसमें हम आज आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, जो बहुत सारे कॉमेंट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे उस क्वेश्चंस को उठाए हैं और जो डाउट था आपका उस डाउट को भी हम यहाँ पे आज क्लियर करेंगे। तो जितना भी अगर आप वीडियो देखे हैं पहले टैली का, आज वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप भी साथ साथ मेरे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कीजिएगा और बनाइएगा, देखिएगा कि हम टैली में शुरू से लेकर के और अभी तक जितने सारे भी जर्नल एंट्री पर वर्क किए, क्लास किए, उन सारे क्लासों का निचोड़ होगा। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, आई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 10 लाख। दोस्तों जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ हम पूंजी इन्वेस्ट करते हैं। तो पूंजी इन्वेस्ट करने का अलग अलग तरीका हो जाता है, जैसे हम कैश में इन्वेस्ट करते हैं, कोई फिक्स एसेट के रूप में कुछ सामान खरीद के भी इन्वेस्ट कर लेता है, जैसे कंप्यूटर खरीद लिया आपका, मशीन कोई खरीद लिया, सेलफोन खरीद लिया, उसके बाद लैपटॉप खरीद लिया, उसके बाद प्रिंटर खरीद लिया, एज लाइक फॉर दिस कुछ भी खरीद लिया। तो जो कुछ भी खरीद रहे हैं ये सारे के सारे आपके संपत्ति हैं, एसेट है। या फिर आप कुछ पूंजी भी लगाते हैं, जैसे हम कैश के रूप में ही पैसा लगा करके बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस स्टार्ट करने का यही एक तरीका ही होता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। या तो आप कैश लगाएं या फिर फर्नीचर, कंप्यूटर, मशीनरी, सेलफोन, लैंड एंड बिल्डिंग जो भी लगाएं, ये सारे चीज़ों को इन्वेस्ट करके हम एक कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कभी भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और टैली में भी जब हम वर्क करते हैं, टैली एक बिजनेस का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो उसमें पहला क्वेश्चन यही होता है कि जब तक आपके पास कोई पूंजी नहीं है तब तक आप बिजनेस को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो वो पूंजी आपको इन्वेस्ट करनी होती है और पहला एंट्री जो है इसी क्वेश्चन का होता है। अब अगर हम इस एंट्री की बात कर ले, डेबिट और क्रेडिट करने की बात कर ले, तो जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे कैपिटल के नाम से देते हैं। तो डेबिट में तो हम लोग लिखते हैं कैश और क्रेडिट में लिखते हैं कैपिटल। अब आपने कैपिटल क्या लगाया, ठीक है, अब कैपिटल के बाद कोई फिक्स एसेट भी लगा सकते हैं, जैसे मशीनरी, सेलफोन वगैरह, तो ये सब भी आप लगा सकते हैं। तो कैपिटल मेरा सिर्फ 10 लाख रुपया कैपिटल लगा हुआ है, कैश के रूप में लगा हुआ है, तो हम 10 लाख रुपया से कैश करेंगे और 10 लाख से हम कैपिटल लगाएंगे। तो ये एंट्री होती है जर्नल एंट्री, अगर हम इस क्वेश्चन को बना पाते हैं तो। लेकिन टैली में बनाने में थोड़ा सा इसमें प्रोसेस बढ़ जाता है, कॉपी पे तो डायरेक्टली आप डेबिट में कैश लिख दिए और क्रेडिट में कैपिटल, क्वेश्चन आपका शॉर्ट आउट हो गया, बन गया। अब बात करते हैं अगर हम इसको टैली में बनाने की, तो टैली में अगर हम इस क्वेश्चन को बनाने जाएंगे तो ये क्वेश्चन हमेशा रिसिप्ट भाउचर में बनेगा, यानी रिसिप्ट का शॉर्टकट क्यों होता है F6, किस में बनेगा, रिसिप्ट में। हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसकी पहली एंट्री जो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश होता है, इसकी एंट्री हम F6 में ही करते हैं, रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। और रिसिप्ट वाउचर को खोलने का शॉर्टकट की F6 होता है। तो हम F6 में जाकर के क्रेडिट में कैपिटल और डेबिट में कैश लिखेंगे तो ये क्वेश्चन मेरा बन जाएगा। तो आइए दोस्तों हम इसको बनाएंगे, लेकिन हम कैश और कैपिटल लिख देने से ही क्वेश्चन नहीं बन जाता है, इसकी लेज़र की भी ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि अगर आप टैली में जाकर के सिर्फ कैश लिखिएगा तो कैश तो लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि इसका लेज़र जो है पहले से बना हुआ रहता है, लेकिन कैपिटल लिखिएगा तो नहीं लिख पाइएगा क्योंकि इसकी लेज़र नहीं बनी हुई होती है। और टैली में एक बात क्या होता है कि जब भी हम ट्रांजेक्शन भाउचर की एंट्री करते हैं तो उसमें लेज़र की ज़रूरत काफ़ी होती है, जब तक आपके पास लेज़र नहीं बना हुआ है तब तक आप उसमें काम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है लेज़र बनाना, और लेज़र सही सही बना होना चाहिए, तब जाकर के आपका बैलेंस सही से मिल पाएगा, नहीं तो वहाँ पे भी गलती हो जाएगी। तो आइए हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को मुझे टैली में बनानी हो तो हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे टैली ऑन कर लिए हैं और 16 नंबर, ये हम 16 नंबर के नाम से कंपनी भी बना लिए क्योंकि ये क्लास नंबर ही 16 है, इसलिए हम 16 नाम से कंपनी बना लिए, राइट। चलिए तो ये क्वेश्चन बनाने के लिए मुझे पहले तो लेज़र की ज़रूरत पड़ेगी, तो लेज़र के लिए हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेज़र में जाएंगे, और यहाँ पर अगर हम डिस्प्ले करके पहले आपको लेज़र दिखा दें तो बाई डिफ़ॉल्ट 2 बना हुआ है, बिल्कुल न्यू कंपनी है दोस्तों, मैंने अभी अभी बनाया है। तो ये कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये बाय डिफॉल्ट आपके भी सिस्टम में 2 लेज़र बने हुए होंगे जब आप न्यू कंपनी के जनरेट करेंगे। अब बात आती है कि कैश का लेज़र तो यहाँ मिल जाता है लेकिन कैपिटल का लेज़र नहीं मिल पा रहा है, तो कैपिटल लेज़र आपको क्रिएट में जाकर के बनाना होता है। अब यहाँ से टैली में जितने सारे भी काम करेंगे, जितने सारे भी वर्क करेंगे, उसके हिसाब से आपको लेज़र की ज़रूरत आगे बढ़ती चली जाएगी नीड, और जैसे जैसे लेज़र बढ़ेगी वैसे वैसे लेज़र आपको बनाने का काम आपको जारी रखना होगा, वैसे ही आपको लेज़र की ज़रूरत
करेगी वैसे ही लेज़र बनाना होगा। तो हम यहाँ पे कैपिटल की लेज़र की मुझे ज़रूरत है, तो हम क्रिएट ऑप्शन में जा करके पहले कैपिटल की लेज़र बना लेते हैं। अब दोस्तों ये कैपिटल की लेज़र है वो अंडर कहाँ जाएगा, क्योंकि लिस्ट ऑफ ग्रुप एक लिस्ट दिया हुआ है और यहाँ अंडर दिया हुआ है, बोला जा रहा है कि इसमें से सर्च कीजिए, तो कैपिटल हमेशा अंडर कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। दोस्तों ये आपको क्वेश्चन बनाते बनाते भी प्रैक्टिस हो जाते हैं, अदरवाइज हम इसका लिस्ट दे देंगे, आप याद कर लीजिएगा या फिर दे भी चुके होंगे, आप और सारे वीडियोज़ में देखिएगा आपको लिस्ट मिलेगा, वहाँ से याद कर लीजिएगा। तो ये कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये लेज़र मेरी बन गई तो ये क्वेश्चन भी मेरी बन जाएगी, तो हम एस्केप से बैग जाएंगे। बैग जाने के बाद क्वेश्चन बनाने के लिए हमें ट्रांजेक्शन्स में जाना होता है और यहाँ से अकाउंटिंग भाउचर का जो ऑप्शन दिखता है इस पर क्लिक करना होता है। अकाउंटिंग भाउचर पे क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेल्स खुला हुआ है जिसमें एंट्री नहीं करना है। अब ऐसे ही आप खोल करके एंट्री मत कर लीजिएगा, सबसे पहले अपने भाउचर को सर्च कीजिएगा कि मेरा भाउचर कौन सा खुला हुआ है। तो ये सेल्स खुला हुआ है, मुझे F6 पे क्लिक करके रिसिप्ट खोल लेना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया कि ये क्वेश्चन रिसिप्ट में ही बनेगा F6 में। तो हम F6 खोल लिए, रिसिप्ट वाउचर खोल जाता है। पहले CR पूछ रहा है, तो CR में मुझे कैपिटल डालना है, 1,00,000 अमाउंट डालना है, तो हम यहाँ से 1,00,000 अमाउंट डाल लेते हैं, इंटर करते हैं, 1,00,000 से ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कैपिटल में 1,00,000 अमाउंट डाल लिया और इंटर करने के बाद डेसिमल पहले के बाद 2 लीटर यहाँ पे 00 यहाँ पे शो करता है, क्योंकि ये डेसिमल पहले से यूज़ है, ठीक है। अब डेबिट में दोस्तों क्या डालना है आपको, तो डेबिट के पास आकर के इंटर करना है, और यहाँ पे क्या डालना है आपको, तो कैश डालना है, तो कैश डाल दिए। और नरेशन अगर लिखने की बात आती है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं BEING बींग स्टार्ट START स्टार्ट और न्यू बिजनेस, अब नरेशन लिखने के बाद इंटर करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आपने शॉर्ट आउट कर लिया है, ये क्वेश्चन आपने बना लिया है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन भी आपको एक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, रेंट पेड कर रहा है, रेंट का पैसा 2,000 रुपया पेड कर रहे हैं, इसकी एंट्री भी आपको करनी है। तो अगर हम रेंट पेड कर रहे हैं तो डेबिट और क्रेडिट अगर हमसे पूछा जाए तो डेबिट पे ऑफ कॉस्ट रेंट होगा, क्योंकि हम पैसा जो है यहाँ पे खर्च हो रहा है मेरा, जब भी पैसा खर्च होता है तो क्रेडिट में हमेशा कैश होता है, तो ये पैसा खर्च हो रहा है और कैश के रूप में ही हो रहा है, इसलिए मैंने कैश ही लिखा और डेबिट में क्या लिखा, रेंट। अब आप क्वेश्चन को अगर टैली में बनाएंगे तो आपको 2 लेज़र चाहिए, एक तो आपको रेंट की लेज़र चाहिए और एक आपको कैश की लेज़र चाहिए। तो कैश तो ऑलरेडी बना होता है, बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन रेंट तो बनाना पड़ेगा। अब रेंट आप पेड कर रहे हैं तो ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, खर्चा है, तो इसे अंडर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। तो चलिए हम टैली में इसे बनाते हैं, तो टैली में ऑन कर लेते हैं हम टैली यहाँ से। रेंट पेमेंट कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को हम पेमेंट में बनाएंगे, क्योंकि जब भी हम कोई सामान पेमेंट करते हैं उसकी एंट्री पेमेंट में ही होती है, तो हम पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पेमेंट खुल जाएगा। पहले डेबिट पूछेगा तो यहाँ पे रेंट का लेज़र नहीं है मेरे पास, हम अगर रेंट यहाँ लिखना भी चाहें कीबोर्ड से तो नहीं लिख पाएंगे, इसके लिए एक शॉर्टकट की का यूज़ करना होगा दोस्तों, Alt+C बटन, Alt+C करेंगे तब जा करके रेंट हम यहाँ लिख पाएंगे, क्योंकि यह लेज़र क्रिएशन का बॉक्स खुल चुका है, हम यहीं पर शॉर्टकट में लेज़र बना ले रहे हैं। रेंट का लेज़र जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। अमाउंट 2,000 पे करना है तो 2,000 रुपया डालेंगे, ये पैसा कैश के रूप में पे हो रहा। अब दोस्तों हम यहाँ पे क्रेडिट में कैश डालते हुए इंटर करेंगे और एक नरेशन टाइप करेंगे बीइंग रेंट पेड और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता है जो रेंट पेड का क्वेश्चन है। अब हम कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड का मतलब क्या होता है, बैंक में पैसा जमा करना। जब आपका बिजनेस कोई बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, और उस बैंक में आप पैसा जमा कर रहे हो तो उसे बोलते हैं कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में आपने बिजनेस का पैसा जमा किया, राइट, 1,000 रुपया, तो इसकी जर्नल एंट्री करनी है। तो अगर हम डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे बताएं आपको, तो पैसा तो ऑलरेडी आपके पास जा रहा है, बैंक में चला जा रहा है, क्योंकि बैंक में डाल रहे हैं तो क्रेडिट में हमेशा कैश होगा, और कहाँ डाल रहे हैं पैसा, बैंक में, तो डेबिट में बैंक होगा। अब बात आती है लेज़र की, अगर हम इसमें टैली में बनाने चलेंगे इसे, तो बैंक की लेज़र चाहिए, कैश की लेज़र चाहिए, तो कैश तो ऑलरेडी बना होता है लेकिन बैंक तो बनाना पड़ेगा। अब बैंक का जो लेज़र है वो अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट में ही जाएगा, तो इसे हम बना लेते हैं। अब चलते हैं हम टैली को ऑन करते हैं, और एक बात हम यहाँ पे और बता दें दोस्तों, जब भी कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं या कैश ट्रांसफ़र करते हैं, तीन बात याद रखिएगा, डिपॉजिट,
विड्रो का मतलब होता है निकालना पैसा बैंक से, और ट्रांसफर, ट्रांसफर तो जानते ही एक बैंक से दूसरे बैंक में। तो ये तीनों एंट्री जो है ना A4 में बनता है, जो कॉन्ट्रा वाउचर होता है, यानी आपके बिजनेस से रिलेटेड जितना भी बैंक की एंट्री होती है उन सारे एंट्री को हम A4 में बनाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रा वाउचर बोलते हैं इसको। तो हम चलिए टैली को खोल लेते हैं, A4 प्रेस करते हैं, कॉन्ट्रा भी खुल जाता है, और कॉन्ट्रा में पहले क्रेडिट पूछा जा रहा है आपसे। तो आइए हम अगर क्वेश्चन को सर्च करें तो क्रेडिट में कैश और डेबिट में बैंक लिखना है मुझे, तो क्रेडिट में कैश और डेबिट में हम बैंक लिखेंगे, तो उसके हिसाब से क्रेडिट में हमें कैश लिखना है, तो चलिए हम कैश लिख लेते हैं, अमाउंट हम 1000 रुपया डाल देते हैं, और डेबिट में मुझे बैंक लिखना है, तो बैंक तो हम यहाँ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि बैंक का लेजर चाहिए, तो फिर अल्ट सी करना है, वही बात दोहरानी है, तो अल्ट सी कीजिए और लेजर बनाइए। बैंक का लेजर दोस्तों हमेशा बैंक अकाउंट में ही जाता है, तो बैंक अकाउंट में डालते हुए अगर आप उस बैंक के अकाउंट नंबर जानते ही होंगे, तो इंटर करना है, IFSC कोड डाल लेना है जो आपके बैंक का IFSC कोड होगा, और डिटेल डाल करके पिन कोड, स्टेट, कंट्री डाल करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इंटर कीजिएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि पैसा जो 1000 रुपया डाल रहे हैं उसमें क्या चीज़ का कौन सा नोट है, मतलब कौन चीज़ का नोट कितना है, तो 500 का 2 नोट हम डाल दिए, क्योंकि आपको भी पता है जब पैसा भरते हैं आप बैंक में तो ये चीज़ पूछा जाता है कि कौन सा नोट आप कितना दे रहे हैं। उसके बाद इंटर करेंगे, नरेशन लिख लेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिट, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका शॉर्ट आउट हो चुका है, ये क्वेश्चन भी बन गया। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आप पढ़िए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट टू राज, सामान तो परचेजिंग कर रहे हैं, क्रेडिट का मतलब हो गया उधार, उधार उधार कर रहे हैं परचेजिंग, और किससे कर रहे हैं, राज से 10,000 का। दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, और ये क्वेश्चन अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, अगर उधार कैसे खरीदा वरदा जाता है, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है, और अगर देखे भी हैं तो थोड़ा सा उसमें यहाँ से टूरिस्ट पॉइंट है, क्योंकि उसमें मैंने आइटम वाइज बताया है, और ये जो है कि गुड्स यहाँ पर खरीदा जा रहा है इसमें डेबिट क्रेडिट बताएंगे, तो ये दोनों, ये वीडियो तो आपको ये चीज़ देखना 100% अनिवार्य हो जाएगा, ताकि ये दोनों क्लियर हो जाएगा आपका। और पिछला वीडियो भी नहीं देखे हैं तो उसे भी जा करके देख ले, आपका जो है उधार खरीदने से रिलेटेड सारे ऑप्शन से क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल हम इसको आपको बता दें कि अगर हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं नॉर्मली, तो जर्नल एंट्री करते हैं तो डेबिट में क्या होगा, आप परचेज क्या कर रहे हैं, परचेज गुड्स कर रहे हैं, तो सामान खरीद रहे हैं, तो खरीद रहे हैं लेकिन उधार खरीद रहे हैं, तो पैसा तो आप दे नहीं रहे हैं, तो पैसा नहीं दे रहे हैं तो क्रेडिट में लिख लेंगे राज, किससे खरीद रहे हैं, राज से, तो राज, और यहां पर क्या लिखेंगे, परचेज, परचेज गुड्स। तो ये चीज यहां पे डिनोट करता है, अगर डेबिट और क्रेडिट की जर्नल एंट्री कर दे तो DR में परचेज और CR में राज, नरेशन में हम क्लियर कर लेते हैं कि बीइंग गुड्स परचेज क्रेडिट टू राज, तो ये क्लियर हो जाता है कि उधार की खरीदारी हुई। लेकिन टैली में इतना आसान नहीं होता है इसे बना लेना, तो इसे बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन एंट्री यही होगा कि DR में आपको परचेज गुड्स और CR में राज ही लिखना होगा। लेकिन आइए देखते हैं कि कितना पापर बेलना पड़ रहा है कि अगर आप इसे टैली में एंट्री करते हैं उधार की, तो देखिए हम टैली को ऑन कर लेते हैं, और उधार परचेज करने के लिए मुझे परचेज पे क्लिक करना होता है, और परचेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एज वाउचर पे क्लिक करके डेबिट और क्रेडिट को मंगा लेना होता है। लेकिन डेबिट और क्रेडिट को लाने से ही सिर्फ उधार की एंट्री नहीं हो जाती है, यहाँ पे एक उधार एंट्री करने के लिए बिल बाय बिल ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके लिए कीबोर्ड का F11 प्रेस करना है आपको, F11 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स यानी बिल वाइज डिटेल्स और नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो का एक ऑप्शन दिखेगा, इस दोनों को यस करना होगा। दोस्तों पहला ऑप्शन तो बाय डिफॉल्ट आपका यस था ये वाला, लेकिन इस ऑप्शन को भी यस करके और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पूछा जा रहा है, तो इनवॉइस नंबर 1 है, डेट आज का डाल लिए, और सबसे पहले क्रेडिट पूछा जा रहा है, तो आइए देखते हैं क्रेडिट में मुझे क्या डालना है, राज डालना है, तो अब बनेगा राज का लेजर, क्योंकि राज का लेजर है नहीं मेरे पास, तो हम अल्ट और सी बटन यहीं पर प्रेस करते हैं और बनाते हैं राज का लेजर। अब राज का लेजर अंडर कहाँ डालिएगा, तो राज का लेजर जब भी हम किसी व्यक्ति से परचेस कर रहे होते हैं तो उसकी लेजर क्रेडिटर में जाती है, तो हम राज से सामान खरीदेंगे, ये मेरे लिए क्रेडिटर है, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, लेनदार होता है, मतलब ये पैसा हमसे लेगा, बाद में पैसा लेगा ये, तो ये लेनदार होता है, तो हम इसे संडी क्रेडिटर में डालेंगे, बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर इंटर करेंगे,
ये राज के लेजर में जब बिल वाई बिल ऑप्शन यस हो जाता है दोस्तों, इसका मतलब राज से उधार खरीदारी हो जाती है। अगर वही बिल वाई बिल को यस नहीं करते हैं तो उधार नहीं होता है, वह कैश में हो जाता है। तो यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 10,000 रुपया है तो 10,000 रुपया डालिए, इंटर किए। इंटर करने के बाद अभी ये मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एडवांस, अगेंस्ट, न्यू डिफरेंस और ऑन अकाउंट का ऑप्शन है। तो जब भी हम परचेज या सेल्स करते हैं तो न्यू डालते हैं, एडवांस पेमेंट सैलरी वगैरह करते हैं तो एडवांस डालते हैं, अगर हम पेमेंट देते हैं जो पहले से मेरे यहाँ बकाया है किसी का, चाहे रिसिप्ट करते हैं तो उसके लिए अगेंस्ट डालते हैं, और ऑन अकाउंट मतलब हाल फिलहाल ही पेमेंट कर देना तो ऑन अकाउंट में यूज़ कर लेते हैं हम। तो यहाँ दोस्तों हमें परचेज कर रहे हैं उधार तो हम न्यू रेफरेंस देंगे, नाम डालेंगे राज का, कितने दिन के लिए उधार दे रहे हैं, कोई डेट वगैरह प्रॉक्स अगर देना चाहते हैं दे रहे हैं तो डाल सकते हैं कि 5 दिन 10 दिन में उधार वापस कर देना है, मतलब पैसा दे देना है तो डाल दीजिए, नहीं तो डेट कौन डालता है, छोड़ सकते हैं। इंटर करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब पूछा जाएगा आपसे क्या चीज़, डेबिट। तो डेबिट में आपको क्या डालना है, परचेज गुड्स। तो परचेज गुड्स का लेजर तो नहीं बना हुआ है, अल्ट सी करते हैं और उसका भी लेजर बनाएंगे। परचेज गुड्स इंटर करेंगे। अब परचेज गुड्स का लेजर जो है अंडर परचेज अकाउंट में चला जाएगा, तो हम इसे परचेज अकाउंट में डाल लेंगे और यहां से इंटर करेंगे, और इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद एक नरेशन लिखेंगे, BEING बींग क्रेडिट परचेज टू राज, राज से उधार परचेजिंग हुआ और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये राज से उधार तो परचेज हो गया, लेकिन अगले क्वेश्चन में अगर हमें बोला जाए कि इस पैसा को चलिए पेमेंट कर दीजिए, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बोला जाए पेड फुल अमाउंट टू राज, PAID पेड फुल अमाउंट टू राज, राइट, राज का पैसा जो भी उधार है उस पैसा को आप पेमेंट कर दीजिए, नहीं रखिए, कई दिन रखिएगा, तो इस पैसा को आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट अगर करना है तो जब भी हम पेमेंट करते हैं, हम इसकी जर्नल एंट्री अगर करके देखें दोस्तों, डेबिट क्रेडिट जिसको बोलते हैं, तो चलिए DRCR तो कर लेते हैं। तो पैसा हम देते हैं तो पैसा दे रहे हैं कैश के रूप में, तो क्रेडिट में कैश हो जाएगा, और किसे पैसा दीजिएगा, राज को, तो डेबिट में आपका राज हो जाएगा। तो इस एंट्री को आपको क्या करना है, टैली में बनाना है। तो आइए टैली देखते हैं, और पेमेंट करने के लिए पेमेंट में क्लिक करते हैं। अब बात आती है किसे पेमेंट करनी है, राज को। तो यहां ऑलरेडी आपका राज का नाम दिखेगा, पहले डेबिट दिखेगा आपको और राज का नाम आपको दिखाई देगा। तो जैसे आप इंटर कीजिएगा तो आप थोड़ा देर में बताइए कि राज के यहां कई रुपया, राज का कई रुपया उधार था, हम तो भूल ही गए। तो भूल गए तो भूलने की जरूरत नहीं है, आपको कंप्यूटर यहां क्लियर कर देगी कि राज का 10,000 रुपया उधार है। तो यहां से आप देख लीजिए, भूलने से कोई मतलब रहे, याद रहे चाहे नहीं रहे, जो पैसा है वो आपको दिखाई देगा। सेम अमाउंट डालिए दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि अमाउंट एक बार में ही पे कर लेना है, इस अमाउंट का आप टुकड़ा टुकड़ा करके 2 बार 3 बार में ही पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगेंस्ट रेफरेंस डालेंगे, ये बात आप जरूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर से अब यहाँ न्यू रेफरेंस मत डाल लीजिएगा, जब भी हम पेमेंट कर रहे होते हैं तो अगेंस्ट रेफरेंस डालते हैं। अगेंस्ट रेफरेंस डालेंगे तो पेंडिंग बिल लिखा हुआ आएगा, अगर ये नहीं आ रहा है तो समझिए आप कहीं गलती किए हुए हैं, राइट। तो ये राज का पेंडिंग बिल यहाँ दिखाई देगा 10,000 का, आप इंटर कीजिएगा, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। और ये पैसा कैश दे रहे हैं कि बैंक दे रहे हैं, तो हम कैश ही दे देते हैं, तो कैश को सेलेक्ट करके इंटर कर लेते हैं, नरेशन लिख लेते हैं, बींग कैश पेड टू राज। तो ये राज का पैसा पेमेंट हो गया और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब दोस्तों इसी तरह से हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जिस क्वेश्चन को आप घर पे बनाइएगा। दोस्तों क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सोल्ड ऑन कंप्यूटर, हम समझा देते हैं एक बार, हमने परचेज करके तो बताया ही, अब आपको सोल्ड करके बताना है। सोल्ड ऑन कंप्यूटर टू अनिल ऑन क्रेडिट ड्यू ऑन 5 डेज, यानी 5 दिनों के लिए अनिल से उधार क्या करना है, सामान आपको सोल्ड करना है, वो भी कौन सा सामान है, तो कंप्यूटर। अब रिसिप्ट फुल अमाउंट फ्रॉम अनिल, अनिल से पूरा पैसा रिसिप्ट भी कर लेना है 2 दिन 3 दिन के बाद, मतलब उसी दिन कर लीजिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको खुद से बना करके दिखाना है कि क्या ये क्वेश्चन आपसे बन पाया, कॉमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। और फिर मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।